हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मतलब क्या बोलूं, ये जो थंबनेल टॉपिक तो आपने देखा ही होगा, ये जो महिमा सिटी विले वाले हैं, वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, ओनर्स एसोसिएशन है या ओनर्स हैं, उनके बारे में उनकी जितनी भी बुराई की जाए कम है। मैंने आज अर्जुनी का एक और ब्लॉग उसी टॉपिक पर, इंडो जर्मन कपल पे जो अटैक हुआ है उसी पर उनका एक और वीडियो आज देखा, जिसपे 26 जून का वीडियो है, जिसमें अर्जुन वापस आता है जेल से ऑन द बेल। उसमें मतलब जब वो घर आ जाता है, उसके बाद जो घर की हालत देखी हमने, वो तो देख के ही समझ में आ रहा है कि कितने चीप लोग हैं। पूरे घर का दरवाज़ा उन्होंने धक्का मार मार के तोड़ दिया, और तो और मॉब ने किया ये काम, क्योंकि ऑब्वियसली जो रिटायर्ड जज हैं उनको तो पता ही होगा कि मॉब पर कोई केस बनता नहीं है। तो बस सब लोग भिड़ गए, और दरवाज़ा एक सोफे की मदद से रोका गया था, वरना तो शायद सब घर में घुसकर पता नहीं जूली का क्या हाल किया होता उन लोगों ने। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि वहाँ के लोग पैसों से अमीर हो सकते हैं, पर मैनर से बहुत ही कंगाल किस्म के लोग हैं। महिमा सिटी विले बहुत ही एक पॉश रेसिडेंशियल एरिया में से एक है जयपुर का, और ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि वहाँ के लोग पैसों से अमीर, महंगे मकानों में रहने वाले लोग हैं, पर दिल से गरीब और मैनर से कंगाल लोग हैं। मतलब आप इतने पढ़े लिखे भी हो, आप एक सभ्य समाज से बिलोंग करते हो, और आपकी हरकतें कैसी है। जब जूली और अर्जुन वापस जा रहे थे, मतलब घर छोड़कर, लाइक उनका सामान वगैरह पैक हो रहा था, पुलिस वाले उन लोगों को बोल रहे थे कि आप लोग घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन तो है। मेरा सवाल तो उन पुलिस वालों से भी है कि आप कब आए उनकी मदद पे। जब वो लोग कॉल पे कॉल कर रहे थे आपकी, तो पहले हेल्पलाइन जो 100 नंबर होता है पुलिस का, वो तो लग ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद जर्मन एम्बेसी को इन्वेट करना पड़ा, उनको इंटरवीन करना पड़ा, तब आप कहीं जाकर उनकी हेल्प को आए। और हेल्प भी आपने ऐसे की कि जूली आप लोगों को चाय या पानी कुछ देती थी तो आप उनसे नहीं लेते थे, डर के मारे कि रिटायर्ड जज क्या सोचेगा। और जिनकी आप प्रोटेक्शन के लिए आए थे, आप उनको बहुत ज़्यादा, उनसे आपने बाइफर्केशन किया, आप पूरी हेल्प अदर पार्टी से ले रहे थे, जो कि विक्टिम को आपको बचाना चाहिए, विक्टिम का सपोर्ट करना चाहिए, तो आप दूसरी पार्टी को ही सपोर्ट कर रहे थे। और फिर आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं आप ये घर छोड़कर। अगर आपने अपनी ड्यूटी सही से निभाई होती या सही टाइम पर पहुंचे होते वहां पर, सही टाइम पर FIR लिखी होती आपने, तो ये क्वेश्चन आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और तो और मैं ये मतलब मैं आज ये वीडियो शायद ना भी बनाती, पर वहाँ के लोगों की, महिमा सिटी विले के लोगों के जो बिहेवियर मैंने देखा उस ब्लॉग में, इतना ज़्यादा चीप बिहेवियर है वहाँ के लोगों का कि मैं आप लोगों को, लाइक आप लोगों ने भी देखा होगा, और साइड में वीडियो मैं डाल दूंगी या फुल स्क्रीन वीडियो मैं आप लोगों को डाल दूंगी कि जूली और अर्जुन घर छोड़कर बाहर जा रहे हैं, कॉलोनी छोड़कर जा रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पर रुके हुए हैं ग्रुप में और उनको बाय कर रहे हैं, एज इफ लाइक दे आर सेलिब्रेटिंग इट। किस बात का सेलिब्रेशन, मतलब इतना, मतलब मैंने ना इस टाइप का बिहेवियर कभी भी इंडिया में नहीं देखा था। हम बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, आपस में घुल मिल कर रहने वाले लोग हैं। हमारे देश में कितने सारे धर्म और संप्रदाय, ट्राइब्स, लैंग्वेजेस हैं, पर ऐसा तो कभी भी कहीं भी नहीं होता था। और ऐसा नहीं कि पहली बार कोई फॉरेन की लड़की किसी इंडियन लड़के के साथ शादी किया हो, ऐसा भी नहीं है। मतलब इतना मैं क्या बोलूँ, मतलब जितने कड़े शब्दों में मैं निंदा कर सकती हूँ मैं वो करती हूँ। मतलब बहुत ही घटिया बिहेवियर है इन लोगों का। और तो और लास्ट में जब अर्जुन चाबी हैंडओवर कर रहा होता है सिक्योरिटी गार्ड को, वहाँ पर एक बंदा आता है, ये साइड में आप लोगों को दिख ही जाएगा, मैंने उसका फेस ब्लर करके रख दिया क्योंकि ऐसे लोगों की तो शक्ल देखना भी बेकार है।
वो उनको बोलता है कि तुमने बहुत गलत किया भाई। चलो मैं मानती हूँ पूरी गलती अर्जुन और जूली की रही होगी, आपने अपने बिहेवियर से क्या साबित किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? एक लड़की के ऊपर पूरा मॉब लेकर आप आ रहे हो और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपके कॉलोनी का, आपके सोसाइटी का रिटायर्ड जज किसी लड़की को गंदी गंदी गालियां देता है और आपका, आपने बहुत सही किया। एक लेडी लाइक वो तो बिल्कुल साइकोपैथ लग रही थी मुझे, बिल्कुल साइको, जिस तरीके से वो जूली को कर रही थी ना कि बाहर आ तुझे बताती हूँ, कुछ मनु नाम था उसका। लाइक मैं वहाँ के लोगों का बिहेवियर देखकर शॉक में हूँ और मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ कि किस बात की गर्मी है। पैसा है तो आपके लिए है, पोजीशन है तो आपके लिए है, आपने किसी के लिए दूसरे के लिए नहीं कमाया वो सब, और जो आपने कमाया वो है बदनामी, बदसलूकी और मतलब मैनर के नाम पर जीरो। और अब तो पूरी लाइक पहले तो शायद आपके घर के लोग ही जानते होंगे कि आप किस टाइप की हैं, और अब तो पूरी दुनिया ही जो जो वीडियो देख रहा है वो सब जान चुका है कि आप लोग किस टाइप के हैं। भगवान बचाए ऐसे लोगों से, ऐसे पड़ोसियों से। कोरोना काल में भी होने के बावजूद भी अगर आप नहीं समझे कि एक पड़ोसी के क्या कर्तव्य हैं और क्या फायदे हैं, तो फिर धिक्कार है आपकी एजुकेशन पे। कोरोना के समय हर एक पड़ोसी, हर एक लाइक आपस में मिलजोल रखने वाले ही एक दूसरे के काम आए। रिश्तेदार तो हमारे इतने दूर बैठे हुए थे, पर फिर भी अगर आपने ये चीज नहीं समझी तो फिर आपको दुनिया की कोई चीज नहीं समझा सकती। चाइनीज में एक कहावत है, अब मैं चाइनीज तो मुझे बोलने नहीं आती पर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि अ गुड नेबर इज अ प्राइसलेस ट्रेजर। तो भगवान बचाए महिमा सिटी विले वालों को एक दूसरे से, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के नेबर्स हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड शेम ऑन यू गाइज़।